ट्रिक नंबर 11th है, और ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा अगर आप आईआईटी जेई जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, जैसे फर्स्ट रिजल्ट है हमारा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू होता है 1। ठीक है, सेकेंड है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एलन क्या होता है, एलन मतलब लॉग, और कैसा लॉग, जिसका बेस ई हो, बेस क्या हो, ई हो। ठीक है, तो एल एन वन प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। थर्ड है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स हो तो इसका आंसर होगा एल एन ए मतलब लॉग ए बेस ई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, ये तीनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे ट्रिक में हम आपको और भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताएंगे। ओके, तो इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एल एन वन प्लस एक्स की पावर टू प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन एक्स की पावर टू ब्रैकेट में वन प्लस एक्स की पावर टू। ठीक है, तो इसे हम सिंपलीफाई करके लिखेंगे, तो वन प्लस एक्स की पावर टू प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन एक्स की पावर टू प्लस एक्स की पावर फोर। तो ये देखिए, ये और ये सेम है। ठीक है, वन लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स के फॉर्म में बन चुका है ये। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली आंसर होगा वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एल एन टू माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो इसे हम लिख सकते हैं एल एन वन प्लस वन माइनस कॉस एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसे हम लिख सकते हैं एल एन वन प्लस वन माइनस कॉस एक्स अपॉन, और इसे हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला ये बन चुका है, तो इसे हम लिख सकते हैं वन प्लस कॉस एक्स वन माइनस कॉस एक्स। अब ये देखिए लॉग वन प्लस एक्स, ये इसको पूरा हम एक्स मान लेते हैं और ये पूरा एक्स है। ठीक है, लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो ये ओवरऑल हो गया वन, तो ये हो गया वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, और लिमिट लगी है एक्स टेंस टू जीरो, और अगर हम इसमें इस फंक्शन में जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा वन अपॉन टू। ओके, और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पर। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए की पावर टेन एक्स माइनस ए की पावर एक्स अपॉन टेन एक्स माइनस एक्स, तो यहाँ क्या करते हैं हम e की पावर x कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर 10x अपॉन e की पावर x माइनस वन अपॉन 10x माइनस वन, और इसे हम लिख सकते हैं e की पावर 10x माइनस x माइनस वन अपॉन 10x माइनस x। ठीक है, और रिजल्ट आप देख ही सकते हैं, रिजल्ट है e की पावर x, और हाँ आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान देना पड़ेगा, ये ओवरऑल x जो है ये जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए तभी ट्रिक लागू होगा, यहाँ पे भी जीरो होना चाहिए, यहाँ पे भी जीरो होना चाहिए जब ट्रिक लागू होगा, और यहाँ पे भी जीरो होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 10x, यहाँ देखिए 10x माइनस x, ये हो गया e की पावर x माइनस वन अपॉन x। ठीक है, इसको x ले लेते हैं, तो इस फॉर्म में बन चुका है, और आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि यहाँ x जीरो हो रहा है कि नहीं, मतलब ये पूरा ओवरऑल जीरो हो रहा है कि नहीं, टेन जीरो जीरो माइनस जीरो जीरो माइनस जीरो, ठीक है, जीरो माइनस जीरो जीरो होगा। ठीक है, तो ये जीरो है और ये भी जीरो है, तो इसके ऊपर हम रिजल्ट लगा सकते हैं, इसकी वैल्यू हो गई वन, और बच गया हमारा e की पावर x, ये तो हो गया ओवरऑल वन, बच गया हमारा e की पावर x, और इस पर लिमिट लगाएंगे x टेंस टू जीरो, तो अगर इस पे वैल्यू रखेंगे तो e की पावर 0 जो कि होगा 1, तो आपका 1 हो जाएगा आंसर।
वन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, फोर की पावर एक्स माइनस थ्री की पावर एक्स अपॉन एक्स। ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं फोर की पावर एक्स माइनस वन प्लस थ्री, सॉरी माइनस थ्री की पावर एक्स प्लस वन, क्योंकि हमने माइनस वन घटाया तो प्लस वन जोड़ा भी, अपॉन एक्स। और इसे हम लिख सकते हैं फोर की पावर एक्स माइनस वन माइनस थ्री की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो एक्स को दोनों को दे देते, ठीक है, बांट दिया मतलब। और ये बन चुका है हमारा इस फॉर्म में, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू होता है एल एन ए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एल एन फोर, एल एन फोर माइनस एल एन थ्री, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉग मतलब एल एन फोर बाई थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, 27 की पावर एक्स माइनस नाइन की पावर एक्स माइनस थ्री की पावर माइनस थ्री की पावर एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो इसको देखना पड़ेगा। 27x को मैं लिख सकता हूँ थ्री की पावर थ्री एक्स, ओके, माइनस नाइन की पावर एक्स है तो इसको मैं लिख सकता हूँ थ्री की पावर टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस कॉस एक्स। अब मैं इसे लिख सकता हूँ e की पावर टू एक्स इंटू, सॉरी थ्री की पावर टू एक्स इंटू थ्री की पावर एक्स माइनस थ्री की पावर टू एक्स माइनस थ्री की पावर एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ से मैं e की, सॉरी थ्री की पावर टू एक्स कॉमन ले लूँगा, थ्री की पावर टू एक्स, तो यहाँ बच जाएगा थ्री की पावर एक्स माइनस वन, और यहाँ से मैं कॉमन लूँगा माइनस वन, तो माइनस वन थ्री की पावर एक्स माइनस वन अपॉन वन माइनस कॉस एक्स। और इसे हम लिख सकते हैं थ्री की पावर एक्स माइनस वन, एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में थ्री की पावर टू एक्स माइनस वन अपॉन वन माइनस कॉस एक्स। थ्री की पावर एक्स माइनस वन, थ्री की पावर टू एक्स माइनस वन अपॉन वन माइनस कॉस एक्स। और लिमिट लगा है हमारा x टेंस टू जीरो। अब एक काम करते हैं, वन माइनस कॉस एक्स है तो इसके लिए हम एक्स स्क्वायर का डिवाइड देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिवाइड इसलिए दिया क्योंकि इसकी वैल्यू वन बाई टू होती है। ठीक है, जो कि मैंने आपको ट्रिक पे लिमिट के ट्रिक में बताया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा और आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का अगर मैंने डिवाइड दिया यहाँ पे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो हो गई वन अपॉन टू, थ्री एक्स माइनस वन, थ्री की पावर एक्स माइनस वन, थ्री की पावर टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो गई वन बाई टू। ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं टू थ्री की पावर एक्स माइनस वन, थ्री की पावर टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को मैं काम करता हूँ एक्स इंटू एक्स। ठीक, तो ये देखिए ये हो गया आपका लॉग थ्री मतलब एल एन थ्री, तो टू एल एन थ्री। और अब तो लिमिट इस पे काम करेगा, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो
थ्री की पावर टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो यहाँ देखिए टू एक्स है और यहाँ एक्स है, मतलब सेम सेम रहना चाहिए ना। तो यहाँ भी टू टू का मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो टू का डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये हो गया आपका ln 3, ठीक है, ये हो गया आपका ln 3। तो 2 इंटू ln 3 और ये हो गया इंटू ln 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 ln 3 इंटू ln 3 और ये हो जाएगा 4 इंटू ln 3 की पावर 2 आंसर। ओके okay।